caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. फ्रेंड्स कैसे हैं आप। मैं आयशा खान आपको वेलकम करती हूं अपनी इस न्यू वीडियो में और अपने इस चैनल जिसका नाम है आयशा ब्यूटी वर्ल्ड। आज फिर एक नई वीडियो के साथ, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी। जैसा लास्ट एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एक ब्लीच के बारे में, वो ब्लीच जो कि चांद रात को करवाते हैं, काफ़ी महंगी साड़ी करवाते हैं, वही ब्लीच आप घर पे कर सकते हैं। बहुत अच्छे, सस्ते, अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छी कॉस्मेटिक के साथ कर सकते हैं। सो आज की हमारी वीडियो है स्किन पॉलिश के बारे में। इन डिटेल बताऊंगी स्किन पॉलिश में कौन कौन सी सीक्रेट इंग्रेडिएंट सेट किए जाते हैं जिसकी वजह से हो जाती है ज़्यादा इफेक्टिव, यानी कि वाइटनिंग स्किन पॉलिश हो जाती है। इसमें ऐसा क्या ऐड किया जाता है, कैसे आप इसको घर पे कर सकते हैं। आज जो हम स्किन पॉलिश करने वाले हैं वो डर्माकॉस की है। डर्माकॉस इज़ टू मच फेमस इन लॉट ऑफ पॉलर्स। सो डर्माकॉस की है ये स्किन पॉलिश। डर्माकॉस का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए होगा फेशियल ब्लॉन्ड एक्टिवेटर, देन हमें चाहिए होगा फेशियल ब्लॉन्ड ब्राइटनर, फिर हमें चाहिए होगा सॉफ्ट टच का स्किन शाइनर, एंड एट लास्ट हमें चाहिए होगा गोल्डन पर्ल का फेशियल क्लिनजर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना ही होगा फेस को वॉश कर लेना होगा, फिर हम करेंगे क्लिनसिंग। क्लिनसिंग आप कर सकते हैं किसी भी अच्छे क्लिनजर के साथ। आई एम यूजिंग गोल्डन पर्ल का ये जो फेशियल क्लिनजर, इट्स टू गुड इन फेशियल भी एंड इन पॉलिश एंड ब्लीच ऑल्सो। आफ्टर क्लिनजिंग आप करेंगे ये कि आपको करना होगा मिक्स इन तीनों चीज़ों को इन अ क्वांटिटी जिस तरह मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो एट लास्ट मैं आपको बताऊंगी इनके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून ऑफ दिस फेशियल ब्लॉन्ड, ये जो हमारा एक्टिवेटर है इसका, इस एक्टिवेटर के हमने 1 टेबल स्पून ऐड कर लेनी है। देन हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ ये जो ब्लॉन्ड ब्राइटनर है जो कि हमने ब्लीच में भी यूज़ किया था, 1/4 टीस्पून हमने जस्ट ऐड करना है इसका, इससे ज़्यादा नहीं करना। क्वांटिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2-3 ड्रॉप्स ऑफ स्किन शाइनर। सॉफ्ट टच का स्किन शाइनर है, इट्स टू गुड। आप किसी भी अपने 2-3 ड्रॉप्स जिस तरह के मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, एंड देन हम इसको करेंगे मिक्स। एंड इफ़ यू वांट एक्स्ट्रा वाइटनिंग तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 कैप्सूल विटामिन ई का, जैसे कि लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आप ऐड करेंगे इसमें विटामिन ई कैप्सूल। फॉर एग्जांपल अगर स्किन है ड्राई तो ऐड करेंगे दिस ग्रीन वाला, यानी इवियन, या ये ग्रीन फॉर्म में जो आता है विटामिन ई ये वाला, और अगर ड्राई है तो ये वाइट वाला। अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप ऐड करने के बाद आप इसको मिक्स कर लेंगे, अप्लाई करेंगे फॉर 15 मिनट्स एंड देन वॉश कर लेंगे। आफ्टर वॉशिंग योर फेस हम अप्लाई करेंगे फेस पैक या मर्ड मास्क, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेस्ट मर्ड मास्क इज़ मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी में आप ऐड करें रोज़ वाटर एंड इसको अप्लाई करें फॉर 10-15 मिनट्स। आपका स्किन पॉलिश इज़ बेस्ट अगर आप चाहते हैं इंस्टेंट ग्लो ऑन योर स्किन। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस हद तक है ये डेंजरस फॉर योर स्किन। स्किन पॉलिश हो या ब्लीच हो, इसके नुकसान यही हो सकते हैं बिकॉज इट्स यू डोंट नो, जिस तरह के ये ब्राइटनर है या आप जो एक्टिवेटर होता है उसमें केमिकल्स होते हैं, आफ्टर ऑल इतने केमिकल्स होते हैं कि वो आपके बालों को गोल्डन कर देते हैं। समटाइम आप ब्लीच लगाते हैं तो आपको स्किन पे इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, यहाँ तक कि आपकी आंखों से आंसू भी आते हैं। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि इनमें होते हैं कुछ अमोनिया विच इज़ हार्मफुल फॉर योर स्किन। लेकिन आई ऑलवेज प्रेफर कि आप अच्छी क्वालिटी की ब्लीच यूज़ करें, अच्छी आप ब्रांड की ब्लीच यूज़ करें जो कि विदाउट साइड इफ़ेक्ट आपकी स्किन को करे, इंस्टेंटली गोरा भी करे और ग्लो भी लाए और विदाउट साइड इफ़ेक्ट हो। तो आपको ऑलवेज प्रेफर कि अच्छी ब्रांड की, अच्छी कंपनी की ब्लीच यूज़ करें, स्किन पॉलिश यूज़ करें। और ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि आप साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं तो
महीने में आफ्टर 1 month आपको स्किन पॉलिश ब्लीच या फेशियल करवाना चाहिए, नॉट मोर देन वन टाइम इन अ मंथ. सो आई होप मेरी ये वीडियो जो कि थी इन्फॉर्मेटिव एंड रिक्वेस्टेड आपको आई होगी पसंद. अगर आई है मेरी वीडियो पसंद तो इसको करना है सिर्फ और सिर्फ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है मेरे चैनल को, ताकि मिलती रहे मेरी सारी इन्फॉर्मेटिव सच्ची सीधी सादी खरी सी वीडियोज़ ऑन टाइम. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.